आजादी का अमृत महोत्सव हेवा हुहाहन 9 बछर और गरीब कल्याण विषय विशेषको स्वाधीनता भारतर उत्तर पूर्वर वीर मुक्तियोद्धा और स्वाधीनता संग्रामी विषय नतुन प्रजन्मक सजग करार सिलचरत आयोजन करा होइसे 3 दिनिया प्रदर्शनी। केंद्रीय तथ्य और सम्प्रचार मंत्रणालय सेंट्रल ब्यूरो अफ कम्युनिकेशन फिल्ड अफिस सिलचर उद्योगत अनुष्ठित राष्ट्रीय प्रजुक्ति प्रतिष्ठान NIT सिलचरत 3 दिनिया फटो प्रदर्शनी आरम्भ होइसे। असम विश्वविद्यालयर उपाचार्य राजीव मोहन पंथ और अन्य अतिथिसकले फिता काटी प्रदर्शनीखन उद्बोधन करे। प्रदर्शनीखन उद्बोधन करार पिছত अतिथिसकले आजादी का अमृत महोत्सव और स्वाधीनता संग्रामीसकলৰ स्मृतित भाषण प्रदान करे। स्वाधीनता संग्रामीसकलक स्मरण करी भविष्यते युव प्रजन्मर सहायत एखन सुंदर और निका भारत गढ़ा हब बुली आशा प्रकाश करिसे अतिथिसकले। फील्ड यूनिट ने ये तीन दिन का महोत्सव शुरू किया है। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव ये 3 दिन से चलेंगे। ये हमारे जो स्वतंत्र सेनानी और जो अनसंग हीरोज उनको फोकस करके हम ये 3 दिन का प्रोग्राम किया है। हम नॉर्थ ईस्ट का जो भी अनसंग हीरोज उसको भी हम दिखाना चाहते हैं। इनका एग्जीबिशन लगाया है और जो हमारा अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी जी का वो 9 साल का इसका भी हम ये उत्सव मना रहे हैं। आप ये प्रोग्राम में हम बच्चों और दूसरा लोग को भी इंकरेज करना चाहते हैं। Harold Kabbat also for last 1 year. We have already completed 75 years of independence, and this independence didn't come easy, as our guest of honor Harold Kabbat mentioned. A lot of sacrifices were made. We know many freedom fighters who are very popular: Gandhi, Sardar Patel, many freedom fighters we all know. But there are many other freedom fighters who made supreme sacrifice for the country, for the independence of the country, who are not that very well known. I'm happy that now we are trying to make people aware that people at every level made supreme sacrifices for the country, and that's how we got the independence. But we don't have to volunteer.